पापड़ बनाने जा रही हूँ और मेरा नाम है गुड़िया। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि मेरे यहाँ कैसे पापड़ बनते हैं और कैसे नहीं बनते। तो ये ब्लॉग मेरा आप लोगों के लिए बहुत मजेदार होगा और आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर देना। और चलते हैं, तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आप देख सकते हो गुड़िया जी पापड़ बनाने जा रही है। दोस्तों जैसा कि जानते हो इस टाइम होली आने वाली है, तो होली पे ऐसा कोई घर नहीं छोड़ता है। जैसे गाँव में ये रीति रिवाज होती है कि घर में ही ज्यादातर पापड़ वगैरह बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी गुड़िया जी यहाँ पे आलू के पापड़ आज बनाने वाली हैं। वैसे ये पापड़ बनाएंगी तो बहुत नमकीन वगैरह क्या क्या बनाओगी होली में क्या क्या बनाओगी बताओगी जरा। पहले तो मैं आलू के पापड़ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं नमकीन बनाऊंगी और कचरी बनाऊंगी, उसके बाद मैं गुजिया बनाऊंगी और रसगुल्ले नहीं बनाऊंगी, रसगुल्ले भी बनाऊंगी। मतलब गांव में ज्यादातर देखा होगा कि आपने कि ज्यादातर नमकीनें जो होती हैं वो घर पे ही बनाई जाती है, क्योंकि उनका नया टेस्ट जो है बहुत ही बेहतरीन होता है और खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो यहाँ पे आज जो बनाने वाली है गुड़िया, गाइस देख सकते हो कुछ ये इस तरीके से। आलू सबसे पहले आपको उबाल लेने होते हैं, क्या करना होता है बताइए मुझे। पहले आलू उबालो, उसके बाद में उन्हें छील के खोद लेने चाहिए। हाँ, मतलब पहले यहाँ पे आलू उबाले जाते हैं, आलू उबाल कर उसके बाद में इस तरीके से आप कद्दूकस होता है, देख सकते हो ये कद्दूकस होता है साथे। इस कद्दूकस से जो है आलू को मतलब खुरेच लेते हैं, उसके बाद में कुछ इस तरीके से ये इसका चोखा टाइप में। गाइस देख सकते हो आलू वगैरह सब कुछ कूद चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए इसे क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, इसे पाटा बोलते हैं, जो रोटी बेलने वाला होता है। और इस पन्नी का क्या करोगी? इस पे बनाऊंगी पापड़। इस पे कैसे पापड़ बन जाएंगे? जब बनाऊंगी तब देखना। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा समझ गया। इस पन्नी को के बीच में आलू की टिक्की रखकर फिर उसे दावा जाता है शायद। तो यहाँ पे इस पन्नी की भी जरूरत पड़ती है। देखो अपने यहाँ पन्नी जो कपड़े में निकलती है, धोती साड़ी में कपड़े में वही है ये। तो इस तरीके से देखिए पन्नी फाड़ी जा रही है अब, लेकिन अभी तेल नहीं आया है ना, जब तेल पड़ेगा क्या? फाइनली वो हम तेल लेकर आ गया है, इसकी बेइज्जती नहीं हुई क्योंकि इसके सर चले गए थे, तो ये तेल लेकर आ गया है। अब बनेंगे पापड़। क्यों शर्म लग रही थी तुझे? क्यों तुझे शर्म क्यों लग? तो देख सकते हो ये जीरा है, जीरा पड़ने जा रहा है। इसमें जीरा है? हाँ जीरा है। ये जीरा पड़ता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो, ताकि इसका टेस्ट आ जाए और पेट खराब भी ना हो, हाजमा अच्छा हो जाए। तो फाइनली देख सकते हो पापड़ मतलब का पापड़ की सामग्री तैयार हो चुकी है यहाँ पे, देख सकते हो। और ये खटिया पे बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे ताकि वो गंदे ना हो तो चारपाई पे धोती डाली जा रही है। और चचा जी यहाँ पे देख सकते हो वो बैठे हुए हैं लाठी ले, ताकि बंदर ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पता है ये गाँव है, देख सकते हो पूरी तरीके से। और यहाँ से बंदर आ जाते हैं, अभी कोई आएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बंदर भी आ जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी सेफ्टी भी रखनी पड़ती है इसलिए। तो अब क्या करने जा रही हो? तेल लगाया है हाथों में। हाँ हाथों में लगाया, आलू में नहीं लगेगा? आलू में नहीं लगेगा। देख सकते हो यहाँ पे आटे की लोई बनना तैयार हो चुकी है। आटे की नहीं, आलू की पराठे बनने जा रहे हैं। पराठे नहीं, नहीं। आलू के पराठे थोड़ी होते हैं ये, इस तरीके से टिक्की बनाई जाती है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये गोल गोल लोई बन चुकी हैं। अब इन लोइयों का क्या करोगी? अब यहाँ पे पापड़ बनाऊंगी। अब लोइयों की पापड़ बनेगी और राधा जी नाक, राधा जी नाक नच जाए इसमें, सर सर कर रही है उसमें। रुमाल बांध के पहले बोला बेइज्जती करा दे रही है। इसमें बेइज्जती की बात है ना, जुकाम किसी को सब किसको होता नहीं है, सबको होता है। मुझे जुकाम नहीं है। हाँ अब वहाँ पे देखिए चारा खंडा जा रहा है, दूर से दिखाई दे रहा होगा। ले लेती हूँ और इस पे मैं तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो है आलू चिपके ना और जल्दी से जल्दी छूट जाए।
और मैं इसको रख लेती हूँ। तनिल फेट लो तो जी इधर बन जाइए। छुड़िया मार दो। छिड़ गया देखो। तो फाइनली देख सकते हो यहाँ पे एक पापड़ बन चुका है, इतना बड़ा सा गुड़िया जी ने एक पापड़ बना दिया है। अब दूसरे की तैयारी हो रही है, दूसरा का तरीका थोड़ा अलग होने वाला है। अब इस तरीके से हाँ देखिए, अब चाहो तो इसके गुड़िया इसमें कलर भी मिला सकती हो ना। कलर वाले अच्छे नहीं लगते हैं, कलर तो चमकते हैं। इसको पता है ये राधिका पहुंच गया था, इसको शर्म लग रही है। पता है क्यों शर्म लग रही है? इसको जुखाम है। जुखाम नहीं है। इसको जुखाम है। तो देख सकते हो आप लोग इस तरीके से ये पापड़ तैयार हो चुके हैं। और अभी एक नया तरीका निकाला है पापड़ बनाने के, देखिए कुछ इस तरीके से। छुटने में टाइम लगता है, नहीं तेल लगाओ, अच्छा सबसे में टाइम नहीं लगता। ये देखो राधिका जी बना रही है नकछूरी। इनकी घर में भी बेइज्जती होती रहती है और ब्लॉग में भी बेइज्जती होगी। अब देखिए ये लो, ये देखिए ये हो गया। इस तरीके से ये देखिए मशीन की तरह दब जाते हैं ये सारे। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा पूरी विधि किस तरीके से आलू के पापड़ बनते हैं। अगर आपको खाने हैं ये पापड़ तो आप होली में तो गाइस आप लोगों ने देखा कि मेरे यहाँ इस तरीके से पापड़ बनते हैं। तो किस किस को पापड़ अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और शेयर कर देना। और जो गांव वाले पापड़ इस तरीके से बनाए जाते हैं इनका टेस्ट बहुत ही निराला होता है। जिस जिसको खाना हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। होली पे ऑनलाइन जो है मतलब पार्सल के द्वारा भेज दिया जाएगा जिसको। दोस्तों देख सकते हैं कि इसी तरीके से पापड़ बनाए जाते हैं, और मैं आज बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ। और तो अभी थोड़े बचे हुए हैं ना, अभी थोड़े बचे हुए हैं। हाँ अभी थोड़े इतने ही लड़ रहे बच्चे हैं। बनाते बनाते मैं बहुत थक गई हूँ। और मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।